हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में सामाजिक विज्ञान पेपर सेट 825 CA इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था 9 अप्रैल को, इसमें जो है दो खंडों में प्रश्न पूछे गए थे। तो खंड का और खंड खा दो में विभाजित था। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। तो देखिए, जो है खंड का और खंड खा के प्रश्नों के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए आपके सामने जो है खंड का दिया हुआ है। इसके जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ऑटो वान बिस्मार्क। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1815। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, क्वेश्चन नंबर थ्री है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका जो है ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर फोर है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1929। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, रक्षा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो इसका जो है का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। इसके बाद केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, जो कि मानचित्र की जगह पे करना था। अब देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, तो जो है मानचित्र की जगह इनको इन प्रश्नों के जवाब देने थे, उत्तर लिखने थे। तो देखिए वो कौन से प्रश्न हैं। तो देखिए पहला था 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से चलाया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। तीसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना कहाँ हुई थी, कहाँ घटी थी? तो अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, चंपारण। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। इसके बाद जो है खंड खा की बात करते हैं। खंड खा में देखिए, ये जो है केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए था, मैप की जगह इन प्रश्नों को लिखना था। खंड खा देखिए, खंड खा में जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन से प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका जो है घा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि जो है
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, तो इसका जो है घा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में पोटास फास्फोरस चूना तीनों पाया जाता है, तो इनमें से सभी घा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18 है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है, तो कोयला, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, तो इस प्रश्न को हमने जो है अभी डाउट में रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो है ऑप्शन गा सही हो जाएगा, जिनेवा में। तो वीडियो कैसा लगा सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इस वीडियो में हमने जो है सभी विकल्पीय और कुछ छोटे क्वेश्चनों को शामिल किया, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।